हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वैल्यू एडिशन कोर्स यानी वैक कॉमर्स में एक आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जानेंगे कि इस पेपर इसका कैसा आता है, क्या क्या सिलेबस इसमें आपको पढ़ना होता है। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, पहली यूनिट जो है इसका नाम है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जिसमें आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन टू सेविंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा फाइनेंशियल रिलेटेड है जो यूनिट बना आपका। ठीक है, यूनिट टू पढ़ोगे बैंकिंग एंड डिजिटल पेमेंट, तो उससे पता चल रहा है बैंक से जुड़े हुए इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है ना, फिर आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और डिजिटल वॉलेट्स, सिक्योरिटी एंड अगेंस्ट आपका पोंजी स्कीम एंड ऑनलाइन फ्रॉड। ठीक है, फिर आपका यूनिट 3 रहेगा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्लानिंग, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स, मतलब कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, फिर आपका यूनिट 4 है पर्सनल टैक्स, इंट्रोडक्शन टू बेसिक टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया फॉर पर्सनल टैक्साइजेशन, एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल टैक्स प्लानिंग है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ डेडिकेशन ऑफ इंडिविजुअल और ई फीलिंग। तो ठीक है, तो ये पूरा इसका सिलेबस हो गया। अब जब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कराता हूँ उसको जरा नोट कर लीजिए, फिर इसका पेपर दिखाता है पेपर के साथ। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पैसे के समय मूल्य के बारे में संक्षेप में बताइए। तो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बन रहेगा आपका। दूसरा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है, बचत के लाभों पर चर्चा करें, खर्च के प्रबंधन की व्याख्या करें। फिर आपका वित्तीय नियोजन क्या है यानी व्हाट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग। फिर आपका भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकर का बैंक क्यों कहा जाता है। फिर आपका अतिरिक्त फंड वाले, फंड की जरूरत वाले लोगों के बीच बैंक की क्या भूमिका निभाते हैं। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के खातों का नाम बताइए। चालू खाते और बचत खाते के बीच अंतर, कैशलेस बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, नेट बैंकिंग की विशेषताएं क्या है और इसके नुकसान बताइए, क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड से अलग करें, UPI क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो बनते हैं। वित्तीय निवेश, वास्तविक निवेश के बीच अंतर के बारे में संक्षेप में बताइए। MFS में निवेश के लाभों पर चर्चा करें, SIP अन्य निवेश विकल्पों से कैसे बेहतर है। वायदा और विकल्पों में अंतर स्पष्ट करें, निवेश के उद्देश्य क्या है। बीमा और उसके महत्व को परिभाषित करें, बीमा के सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरण के साथ संक्षेप समझें, भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जीवन बीमा की पॉलिसियां क्या है। भारत में कौन सी जीवन बीमा पॉलिसियां उपलब्ध है, जीवन बीमा पॉलिसियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों के बारे में बताएं। भारत में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजना की तुलना करें, डाक जीवन बीमा इसके महत्व को परिभाषित करें। पेंशन योजना खरीदने का लाभ बताइए, आगे वर्णन करें कि EPF PPF से कैसे अलग है। बताइए कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान म्यूचुअल फंड निवेश से कैसे अलग है। टैक्स प्लानिंग क्या है, व्यक्ति के लिए उपलब्ध छूटों पर चर्चा करें, क्या कटौती है जो एक व्यक्ति का लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जरा क्वेश्चन पेपर में आपको इसका दिखा देता हूँ। तो देखिए, दिसंबर में जो पेपर हुआ था ये रेगुलर वालों का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, रेगुलर वालों का तो 30 नंबर का आएगा, पर SOL का पेपर कितने नंबर का आएगा इसके बारे में अभी मैं इन्फॉर्म आपको नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि SOL के लिए जो टाइमिंग दे रखी है वो टाइमिंग जो आपकी 2.5 घंटे की दे रखी है, तो SOL का हो सकता है 70 नंबर का पेपर आए, पर रेगुलर का वालों का 30 नंबर का पेपर आने के चांसेस इस बार भी रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को बता देता हूँ बार बार आपके, क्योंकि रेगुलर वालों का भी पैटर्न नहीं आया SOL के लिए, तभी मैं पुराना पेपर आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आया इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी रहेगा करना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कैसे आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, आपको शॉर्ट नोट लिखने में ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऐसे क्वेश्चन इस पर बनते हैं। सब मैं पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, व्यवस्थित निवेश योजना, आयकर के स्रोत। दूसरा आपका वार्षिक अवधारणा पर चर्चा करें, ऐसे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा, एक्सपेंडर डिटेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस है ना, जो हमने इंपॉर्टेंट है उसी में से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, नई कर व्यवस्था क्या है, यह पुरानी कर व्यवस्था से कैसे प्रकार भिन्न है, तो बस ऐसे पेपर आता है, बट SOL का थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, इससे इतना मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न को लेके, टाइमिंग और आपके मार्क को लेके। पर पेपर जो है ये लेटेस्ट है रेगुलर वालों का। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी जो बताएगा। थैंक यू सो मच।